ए भैया हमारे लगा फोन कल बंद कर दीजा, कहे से गए आप, क्या के सड़क बन नहीं पाई, काहे नहीं बन पाई, एक तस्वीर दिखाई देनी आपके, हम हमारे पीछे पानी लागल बटे। अब आप पूछे भैया कि पानी कहाँ लागल बा, तो पानी बता दी आपसे कि आपके जिला के सड़क बनावाला विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग में लागल बटे, और जब लग विभाग में पानी लागल रही तब तक आपके यहाँ के सड़क ना बन पाई। ऐसे फिर आप लोगों से कह दिया कि अब सड़क के संबंधित कोनो खबर चलाओ खाती हमारे लगे फोन न करब जा, कहे कि जौलक ले में पानी रही तो अलग ले आपके जिला में कोनो सड़क ना बन पाई और पानी रहा। देखिए आप तस्वीर देखते नहीं, नहीं, नहीं एक बात बताइए, हाई रोडवा जब बनावत रहे लोग पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर तो मैं सूत के बनावत रहे लोग कि देख के बनावले। देखिए इसमें दोष उनका नहीं है, दोस्त जानते क्या है, हमारी जनता लगातार शिकायत करती है कि सर हमारे यहाँ की सड़क खराब है, हमारे यहाँ की सड़क खराब है। अब आप बताइए जब पीडब्ल्यूडी के जो खुद के ऑफिस की सड़क ऐसी है जहाँ पानी लगा हुआ है तो पूरे जिले की समस्या को कैसे दिखा पाएंगे, आप बताइए। तो इसके लिए किसको अवार्ड देना है, कौन से लोगों को? अब देखिए इनके लिए तो हमारे इंजीनियरों को हमारे जो अधिकारी हैं उनको अवार्ड दे देना चाहिए, और कम से कम उन अधिकारी को अवार्ड देना चाहिए कि जो कम से कम 3 दिन पहले बरसात हुई है यहाँ पे और पानी लगा हुआ है और जिनका ध्यान अभी तक नहीं गया है, जबकि ये पूरा चालू रास्ता है। और पता है क्यों नहीं गया है? क्योंकि जब पीडब्ल्यूडी के लोग ये ऑफिस बना रहे थे तो सामने देखिए हाईवे है, उनको पता ही नहीं था कि हाईवे बनेगा तो उधर रोड ऊंचा होगा। आपका बात करना चाहूंगा, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग ऑफिस पहले बना था वो सड़क बाद में छोड़ा हुआ है, बाद में ऊंचा हुआ है। नहीं तो कम से कम वो हाईवे जो है वो हाईवे पीडब्ल्यूडी के खुद के नक्शे में होगा, उनको पता होगा कि वहाँ हाईवे बनने वाला है, तो कम से कम उनका अपना ऑफिस था, एक बार सोच के बनाए रहते। तो यही तो सबसे बड़ी बात है कि अगर सोच के बनाए होते तब तो बात होती, यहाँ तो बिना सोचे कहीं भी बना दिया जाता है। अब देखते हैं कागजों में पुल बना दिया जाते हैं, कागजों में नहरें बना दी जाती हैं, तो ऐसे में अगर ये है तो एक बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं जो आप मोदी जी से कहने वाले थे। नहीं वैसे एक तो एयरपोर्ट भी मोदी जी बनवाए हैं वो भी डूब गया है, एक भी जहाज नहीं चल रहा है और चलेगा भी नहीं, मना कर दिए लोग कि बहुत दिन तक जहाज पता नहीं किन कारणों से लेकिन स्थगित है। बाकी तस्वीर आपको दिखाए थे कि जो ऑफिस है वो डूब रहा है। अभी देखिए बहुत बड़का बड़का पढ़ाई कहने के बाद पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर लोग ये रास्ता बनाए हैं, कहे से कि उनका खुद का घर पानी में डूब गया है तो वो ऐसे रास्ता बनाए हैं ईटा रख रख के कि कम से कम पास हो जाए जाए पानी से। तो गांव वाले लोग का इंजीनियरिंग अब भी काम में आ रहा है, बाकी इन लोग का जो इंजीनियरिंग है वो इन्हीं लोग के समझ में नहीं आ रहा है। बताइए आवाज़ डूब गया है, इनका खुद ही आवाज़ डूब गया है, बाकी कहाँ दिखेगा। पानी कब से लगा भाई जी को? पानी लगा एक हफ्ता से। एक हफ्ता से ये कौन सी ऑफिस है? पिरौली तो पूरा पूरा कुशीनगर जिला का रोड बना वाला, तो खुदे ऑफिसर डूबल बटे जो ऑफिस डूबले खाल वाल रुकी नहीं, मान लीजिए पूरे करने के पानी आता है वहाँ चौराहे पर कभी यहाँ। संदीप एक चीज दिखा रहे हैं, रुकिए मोदी जी, मोदी जी अब देखिए एक चीज दिखा रहे हैं आपको, ये रोड है उस डिपार्टमेंट के ऑफिस की रोड है जो हर दिन 200 किलोमीटर रोड बनाता है, उसके खुद के ऑफिस में रोड जो है वो है ही नहीं, गिट्टी अलग बा, ईंटा अलग, सब चीज़ अलग, आधा दूर तो रोड बना भी नहीं है। तो ये ऑफिस है पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, ये हाईवे और सड़क काहे नहीं खराब करेंगे लोग, अपना खुद का ऑफिस ऐसे कर लिए। देखिए सारे लोग का किसी का गेस्ट हाउस है, कोई आवास है, कोई कुछ भी, आपको जाना है आप जा ही नहीं पाएंगे, डूब जाएंगे। कहे से कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर लोग बौरा नक्शा पास करके एकदम कमाल करके इसको बनाए हैं। तस्वीर जो आगे आप देख रहे हैं या उनके एक्सचेंज साहब की आवाज़ तक जाएगी, अब सोचिए एक्सचेंज साहब के बच्चे अगर स्कूल जाते होंगे तो कैसे पार करके जाते होंगे। सर अभी तो एक अधिकारी का बच्चा स्कूल जा रहा था, वो उसको कितना दिक्कत हुआ, हमारे सामने तस्वीर थी, तो वो सबके साथ दिक्कत है, और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जिला राज्य छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, वो नहीं हो पाएगा, कम से कम अपना ऑफिस बनवा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। अब आपके घर के लोगों को ही अब दिक्कत होने लगी है, ये नहीं हो घर ही के लोग अब पीडब्ल्यूडी का विरोध करने लगे, तो कम से कम अपना ऑफिस बनवा लीजिए।